આવી આવડો हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और नए वीडियो के साथ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मेरा बिग बास्केट से ग्रॉसरी आ चुका है। जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वही मैंने मंगवाया है, जैसे कि फ्रूट्स, सब्जियाँ, दूध, बटर और कुछ मुझे झाड़ू वगैरह चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें मैंने मंगवाई है। ये आप लोग देख सकते हो, ग्रीन टी भी है। तो बस यही सारी चीज़ें और ये रोज़मर्रा की लाइफ की ज़रूरी चीज़ें हैं, सो मैंने मंगवा लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इनको वॉश करने वाली हूँ, सबको, जितने भी चीज़ें मैंने डेयरी के मंगाए हैं उनको वॉश करके फ्रिज में रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया था ठंडा ठंडा कूल अमूल कूल, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में पीना। तो कभी कभी मैं दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो पी लेती हूँ, सो मैंने मंगवा लिया है। और इन सबको मैं वॉश करके फ्रीज में रख दूँगी। और यहाँ पे आपने डॉगी को देखा ना, आईवी को, शायद आपने पहले भी देखा होगा क्योंकि ये है ना कभी कभी मेरे घर आती जाती रहती है। इसका अगर थोड़े बीमार वगैरह होती है ना तो ये इलाज के लिए आ जाती है मेरे घर, सो वही मैं उससे सुबह सुबह बात कर रही थी। तो चलिए यहाँ पे मेरा सारा चीज़ें वॉश हो गया है और अभी बारी है खाना बनाने की। तो हम हाउसवाइफ का खाना बनाने का जो ड्यूटी है ना, हर रोज़ का होता है, चाहे कुछ भी हो लेकिन कुछ ना कुछ तो बनाना ही बनाना है। सो वही मैं सुबह का खाना बना रही हूँ। तो करेले का भी सीज़न चल रहा है इसलिए ज़्यादातर मेरे यहाँ करेला ही बनता है। तो उधर खाना वगैरह तो मेरा बन ही रहा है साइड में। और माही का आज छुट्टी है तो माही को खाना था ब्रेड सैंडविच, सो उसके लिए मैंने यहाँ पे एप्पल को सबसे पहले पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। स्लाइस आप किसी भी शेप में कट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है नेस्ले का टॉफ़ी, आप यहाँ पे डेयरी मिल्क टॉफ़ी भी यूज कर सकते हो। तो बस एप्पल को अच्छे से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देना है, चॉकलेट को भी अच्छे से टुकड़ों में तोड़ के ब्रेड के ऊपर फैला देना है और बस इनको अच्छे से एक दूसरे के ऊपर लेयर लगा के ऊपर से बटर लगा के तवे पे सेक लेना है अच्छे से उलट पलट करके, जब तक कि ब्रेड अच्छे से ब्राउन ना हो जाए एक हर साइड से। तो दोनों साइड से ब्रेड को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे और उसके बाद मेरा ब्रेड सैंडविच बनके रेडी हो जाएगा। और जब हम तवे पे इन्हें सेकते हैं ना तो चॉकलेट जो हम ब्रेड के अंदर रखते हैं वो पूरा मेल्ट हो जाता है, पूरा फैल जाता है ब्रेड के ऊपर और फ्रूट्स के भी ऊपर आ जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए अभी माही को देती हूँ ये, और ये बहुत ही ज़्यादा क्विक और हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हो। तो घर का खाना वगैरह हो चुका था, हस्बैंड ड्यूटी जा चुके थे और यहाँ पे मैं पी रही हूँ जूस। तो ये तरबूज का जूस है, मिक्स फ्रूट जूस। तो अब मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ रात को क्या मीन्स इवनिंग में। तो अभी मैं सीधे आपसे इवनिंग में मिल रही हूँ, इवनिंग का टाइम है और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी आज ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुछ हल्का सा ये क्या कहते हैं, ये बीज है सब्जियों के, फ्रूट्स के बीज हैं ये, जैसे कि इसमें है तरबूज का बीज, फिर पम्पकिन का बीज है, चिया सीड्स है, तिल है, बहुत सारे बीज मिक्स हैं और इन सीड्स या फिर बीज जो भी कहो। तो इसे बस मैंने हल्का सा भून लिया है, हल्का सा घी डाल के और हल्का सा सॉल्ट डाल के, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मुझे कुछ एकदम हल्का सा खाने का मन कर रहा था, नमकीन, सो मैंने इसे हल्का सा रोस्ट कर लिया और खा लिया। तो साथ ही साथ इधर मेरा लाउंड्री का कपड़ा भी वॉश हो रहा है, कपड़े बहुत ज़्यादा थे। मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि जो टाइम फिक्स है वहीं पर कपड़े धोऊं, मेरा जब इच्छा होता है तब मैं कपड़े धो लेती हूं जब भी मैं फ्री रहती हूं। और इधर माही पढ़ रही है और बस माही इधर पढ़ रही है, मेरा इधर कपड़ा धुल रहा है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ सीधे किचन में, और यहाँ पे मैं देखने आई थी कि ये पढ़ रही है या नहीं। और आजकल बच्चों को ना ऑनलाइन ही होमवर्क वगैरह भेजा जाता है इसलिए माही फ़ोन से देख के होमवर्क वगैरह उतार रही थी। कुछ भी ऐसा होता है ना बस सीधे ऑनलाइन भेज देते हैं, आजकल ऑनलाइन ही ज़्यादातर स्कूल का वर्क आता है माही का। तो चलिए माही उधर अपना वर्क कर रही है, इधर मैं सब्जियों की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी, आज मुझे
मुझे, मतलब मैंने बताया ना मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था और मुझे कुछ लिक्विड ही हल्का हल्का सा बस खाने का मन कर रहा था, सो मैं वही खिचड़ी बना रही हूँ। यहाँ मैं मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी बना रही हूँ जिसमें कि मैंने गोभी, आलू, टमाटर और मटर का यूज किया है। तो सब्जियों को मैंने कट करके डाल दिया था। पहले मैं सब्जियों को अच्छे से भून लूँगी, ऊपर से डालूँगी राइस। और यहाँ पे मैं बॉयल्ड राइस का यूज कर रही हूँ। बॉयल्ड राइस जो है ना हेल्दी होता है कच्चे राइस से, तो वही मैं बॉयल्ड राइस का आज यूज कर रही हूँ खिचड़ी में। तो यहाँ पे मैं मूंग दाल और बॉयल्ड राइस की खिचड़ी बना रही हूँ। तो बस सब्जियों को भुनने के बाद मैंने चावल डाल दी है वॉश करके, साथ ही साथ मैंने टमाटर डाला है और ये है फ्रोजन मटर। तो मटर मैं फ्रिज में रख चुकी थी विंटर सीजन में ही, जब मटर का सीजन चल रहा था, और जब भी मुझे ज़रूरत होता है हल्का सा निकालती हूँ और यूज कर लेती हूँ। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैंने पानी भी डाल दी है, नमक डाल दिया है, और बस अब इन्हें 3 से 4 सीटी लगा लेना है, उसके बाद मेरा खिचड़ी बनके रेडी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं इधर रोटियां बना ले रही हूँ, और सब्जी में मैंने बनाया है बैंगन, आलू, टमाटर मिक्स सब्जी रोटियों से खाने के लिए। तो बस यही है मेरा आज रात का डिनर। और इधर जब मैं रोटियां बना रही थी ना, तो बीच बीच में मेरे हस्बैंड किसी काम के लिए मुझे बुला ले रहे थे, तो मुझे बार बार रोटियों को छोड़ के जाना पड़ रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे बार बार रोटियों को छोड़ के जा रही थी। और यहाँ खिचड़ी से खाने के लिए पापड़, तिलौरी, ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर लिया है छान के। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरी टेस्टी और हेल्दी वाली खिचड़ी भी बन के रेडी है। साथ ही साथ मैंने ऊपर से गर्म मसाला पाउडर और धनिया पाउडर धनिया की पत्ती डाली है और बस मिक्स कर लिया। तो चलिए अब प्लेट लगाते हैं खाने की। और ये यहाँ पे सब्जी है बैंगन आलू की, जो मैं अभी आपको बता रही थी, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। साथ ही साथ मैं कुछ अचार निकाल ले रही हूँ। तो हम अचार क्या करते हैं ना, एक छोटे से बाउल में निकाल लेते हैं जब भी ज़रूरत होता है, बाकी सारे अचारों को हम रख देते हैं ऊपर। उसी में मैं निकाल रही थी आम का अचार और करेले का अचार, तो बस इसमें मैंने निकाल लिया है। और अब मैं इन बड़े जार्स को सीधे रख दूँगी ऊपर छज्जे पे, तो जितना ज़रूरत होता है मैं जब भी ख़त्म होता है निकाल के रख लेती हूँ, फिर सारे अचारों को छज्जे पे रख देती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि बार बार अचार जो होता है छूना नहीं पड़ता, कहने में आता है कि ज़्यादा अचार को छुओ ना तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो चलिए अभी मैं अपना प्लेट लगा लेती हूँ। ये मेरी प्लेट है, मैं आज रोटी नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ चावल ही खाने वाली हूँ। तो यहाँ है खिचड़ी, दही, पापड़, तिलौरी और आम का अचार। तो हमारा खाना वगैरह हो चुका था और हमेशा की तरह अब मैं अपने हस्बैंड का पैर दबा रही हूँ, पति सेवा कर रही हूँ। भाई ये भी ज़रूरी है, हमारे हस्बैंड दिन भर खटते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को आते, तो हमारी भी फर्ज बनती है कि हम उनकी सेवा करें। सो गाइस, तो आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमेशा की तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।